आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ टेक्निक लाया हूँ जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। वो 2017 का वीडियो क्लिप था, आज से 3 साल पहले का। उस टाइम दोस्तों मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन तक नहीं था, मेरा जो फोन था मतलब खुद का रूम नहीं था जिस आदमी के पास, आज वो लाखों का घर लाखों की गाड़ियां लेकर के घूम रहा है। जैसे कि फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक अनुमान लगाइए। फ्रेंड यूट्यूब से आने वाली कमाई जिसकी अगर हो 13,000 कुछ रुपए लगभग, अगर 12,000 कुछ रुपए लगभग, और वो कुछ दिन मतलब 2 साल 4 साल बाद कुछ वीडियो डाल रहा हो 2.5 साल बाद, और उसको 25-30 लाख रुपये का मतलब सामान भी ले रहा हो अपने लिए, और उसके बाद भी कहने का मतलब है उसके बाद भी अगर आप 3 साल और रेगुलर वर्क कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि हमारी कमाई कितनी हो रही है यूट्यूब से। फ्रेंड ऐसा एक इंसान है जिसका मैं आपको थंबनेल एंड टाइटल देख करके आप समझ पाएंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मनोज देव के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे मनोज देव को, मनोज देव जब एक अपना चैनल बनाए थे, जबकि सबसे पहले 2016 में मार्च महीने में, तो उनके चैनल का नाम पहला था टेक्निकल मनोज, जिस पर आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड वो लगभग 80,000 सब्सक्राइबर गेन किए थे। फिर उनका चैनल का एडसेंस डिसेबल हो गया यूट्यूब की तरफ से, तो उन्होंने एक चैनल बनाया जिसका नाम था मनोज दे। मतलब इस चैनल का जो पहला वीडियो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मनोज दे का पहला वीडियो कैसा था, और मनोज दे कैसे पहले वीडियो बनाया करते थे अपने टेक्निकल मनोज चैनल पर, वो आज मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। बट आपको ये भी दिखाऊँगा फ्रेंड, वही मनोज दे आज इतना ज़्यादा कमा लिए हैं, इतना ज़्यादा यूट्यूब से कमा लिए हैं कि उनको ये पता नहीं कि मैं यूट्यूब एडसेंस से कितना कमाता हूँ। फ्रेंड मैं नहीं, ये बात मनोज दे बोल रहे हैं, ये आप खुद देखिए। 2.5 साल में आप लोग अगर एप्रोक्स पकड़ोगे तो लगभग से फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि वो जब 3 साल लगभग वर्क कर चुके थे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वो 25-30 लाख रुपये खर्च कर दिया करते थे। ये मैं नहीं, खुद मनोज दे का बोल रहे हैं, और सामान लेने में, वो पर्सनल पर नहीं, सिर्फ सामान पर। चलिए देख लेते हैं ये भी वीडियो। घर का 7 लाख और कार का 7 लाख 14 लाख, लैपटॉप और फोन ये सब मिला करके 5 लाख, मैं 14 और 5 कितना हो गया 19 लाख, और बुलेट अपाचे मिला कर 3 लाख, 19 और 3 22 लाख। अब 22 लाख उसके बाद घर का हर एक छोटा से छोटा चीज़, चाहे वो इंडक्शन हो, फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, हर एक चीज़ मैंने यूट्यूब से ही किया। मतलब 22 और 3 लाख रुपये आप और एक्स्ट्रा जोड़ दो सिर्फ घर का खर्चा, तो आप इसी चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो जब एक बंदा 2.5 साल में 25-30 लाख रुपये खर्च कर सकता है तो वो कमा कितना सकता है। जैसा कि फ्रेंड आपने इस वीडियो में देखा कि मनोज देव खुद बोल रहे हैं कि मैं 25-30 लाख रुपये लगभग सामान लेने में खर्च कर दिया हूँ, बुलेट अपाची कार वगैरह LCD वगैरह सब मिला करके, घर का फ्रिज इंडक्शन वगैरह सब मिला करके। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ इनका 25-30 लाख रुपये खर्च हुआ होगा। उसके बाद ये बोल भी रहे हैं कि हमें मतलब उसके बाद भी मेरा कितना इनकम होगा, स्पॉन्सरशिप वगैरह भी वीडियो बनाए जाते हैं। जैसे आप समझ पा रहे होंगे बहुत सारे वीडियो होते हैं कि अनेकों प्रकार से आप यूट्यूब पर अर्न कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं, अनबॉक्सिंग रिव्यू टेक वीडियोज ये बनाते हैं अपने चैनल पर। आपको पता होगा फ्रेंड जब ये वीडियो बनाया करते थे पहले, तो इनके पास बैठने के लिए जगह नहीं हुआ करता था, और कभी इनके पास ऐसा होता था कि इनके पास नेट बनाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ये बात मैं नहीं, खुद मनोज दे बोल रहे हैं, जैसे कि आप ये देख लिया होंगे। चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप ये थंबनेल को देखकर समझ पाए होंगे कि नहीं ये मनोज दे का एक वीडियो था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड इनके पास नेट पैक भराने के पैसे के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत वर्क भी किया करते थे। जैसे कि अगर यूट्यूब पे शाम को अपना यूट्यूब भी देख लिया करते थे, और वो कभी 2-4 घंटे अपने मतलब उनका पापा जो थे उनके एक साइकिल की दुकान थी उस पर भी वर्क किया करते थे। जैसे कि फ्रेंड बता दूँ, आपके पास जब भी किसी मतलब एक समय आ जाए ज़िंदगी में, ऐसा मोड़ आ जाए कि आप समझ रहे हो कि अभी ज़िंदगी में इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप इनके तरह आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जब पहला वीडियो आया करता था तो इनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करने का मतलब जो अकल होता है वो नहीं था इनके पास। आप देख पा रहे होंगे इनके इस वीडियो को, देखिए फ्रेंड इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर भी मतलब ये कर नहीं पा रहे हैं, और ये अपने पीछे ट्राइपॉड रखे थे। ट्राइपॉड में मतलब वो जो स्क्रीन होता है अपने मोबाइल फ़ोन का, उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो आपको रिव्यू बता रहे हैं एक एप्लीकेशन का, किस एप्लीकेशन का, वो फिंगर का कोई लेकर के था। तो मतलब कहने का मतलब है अपने मनोज दे चैनल पर अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज ये सब ज़्यादातर डाला करते हैं। फिर इतना ही नहीं, इनके पास आज 4 चैनल है जो आप देख पा रहे होंगे, मनोज दे ब्लॉग्स, मनोज दे ज्ञान, मनोज दे एक्टर, ये 4 चैनल हैं। इनके बाद एक और चैनल था
टेक्निकल मनोज जो कि यूट्यूब का एडसेंस डिसेबल की प्रॉब्लम, ये यूट्यूब चैनल वो छोड़ दिए, अभी इस चैनल पर फोकस किए हैं। आज इस चैनल पर उन्होंने 22 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनके पास 22 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये 1000 के ऊपर लगभग वीडियोज भी अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो वीडियो पहले हुआ करता था वो कुछ इस खटिया किस्म का हुआ करता था। जैसे कि आप इनके पहले वीडियो को देखेंगे, पहले के वीडियो जब से बना करते थे तो उनको लोग गाली भी दिया करते थे, उनके अपने वीडियो में रोस्ट कर दिया करते थे। इससे भी काफ़ी फायदा हुआ, पहले इस वीडियो को देखे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड, टेक्निकल मनोज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जे 5/2015 और जो 7/2015 में 7.0 नॉगट अपग्रेडेबल है या नहीं। तो फ्रेंड ये ऐसे इस टाइप के वीडियो बनाया करते थे, जानते होंगे आप कि अगर इस टाइप के आप वीडियो बनाते हैं तो लोग मज़ा लेंगे ही। हालांकि फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये जब ये वीडियो बनाते थे तो ये इस चैनल पर नहीं, टेक्निकल मनोज चैनल पर बनाते थे। लेकिन इस चैनल का पहला वीडियो अगर आप बात करें तो ये है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का वेलकम है इस मेरे नए न्यू चैनल पे। तो आप इस चैनल का नाम देख सकते हैं सेकंड चांस, इस पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के एकदम जरूरी से दबा लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसा कि मैंने टाइटल में बताया था कि मैं आपको मनोज दे का पहला वीडियो दिखाऊंगा, तो फ्रेंड पहला वीडियो मनोज दे का यही है। मनोज दे के पहला वीडियो आप देख करके उम्मीद लगा पाए होंगे कि मनोज दे आखिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए होंगे तब जा करके इस मुकाम पर हासिल हुए हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे उनका बैकग्राउंड क्या था और बैकग्राउंड क्या है, और इस वीडियो का एंट्रेंस देखिए और उस वीडियो का एंट्रेंस देखिए जो पहले का था। चलिए सो हाय एवरीवन, मेरे साथ है भाई अंजलि शर्मा जो कि आप लोग जानते ही होंगे। डॉक्टर मनोज जी चैनल पर हम लोग वीडियो बनाते थे पहले, लेकिन अभी जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा अभी। मैं हूँ मनोज और आप लोगों का टेक्निकल मनोज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ टेक्निक लाया हूँ। एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये अर्निंग से रिलेटेड वीडियो है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स बनाने में लगभग से 3 से 4 महीने लगे थे पहला चैनल पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि पता है बहुत कुछ, तो मेरा एक पहले भी चैनल था टेक्निकल मनोज के नाम से, जिसमें मैं 2016 को क्रिएट किया था। वहां से जो है मैं मेहनत करते जा रहा हूं, लगभग आज 2 साल होने लग गया है। और वो चैनल जो है बीच में मेरा बंद हो गया था, एडसेंस डिसेबल्ड हो गया था, जिसके कारण इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है, क्या सेटिंग रखना है। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड अंतर कितना, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते गए मनोज दे। मनोज दे एक बहुत ज्यादा परिश्रमशील आदमी है, बहुत ज्यादा परिश्रम किए यूट्यूब पर तब जाकर क्या इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनके पास 22 लाख की YouTube फैमिली है और वो लोगों के अंदर वैल्यू ऐड भी करते हैं। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मनोज दे एक जब अपना कुछ वीडियो टेक्निकल मनोज चैनल पर बनाते थे या फिर अभी कुछ ब्लॉग वगैरह करते हैं तो उनको लोग लेकर के, मतलब अब हम नाम तो नहीं लेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसपे उनको रोस्ट भी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें भर भर के गाली भी लोग देते हैं। उनसे किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं। मनोज दे आज इसी वजह से वो आगे बढ़े हैं, लोग उन्हें गाली भी दिए हैं तो उसे इग्नोर किए हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए आपको समझ में आएगा। उनके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जो कि YouTube से रिलेटेड हो। ये साइकान मस्ती है, प्रैंक भी तुम ही करो और मजे भी तुम ही लो, सामने वाला तो चूतिया है ना वो। तो आपने देखा कि अजय जी कैसे मनोज जी को इस वीडियो में रोस्ट किए हैं, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज है जिसमें रोस्ट किया गया है और मनोज दे को भर भर के गाली भी दी गई है। मनोज दे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जिनके नए ऑडियंस होंगे वो एक बार मनोज दे को सर्च करते होंगे यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर सर्च करके उनके चैनल पर भी जाते होंगे, उससे इनका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होता है। फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, बोलने वाले तो बस बोलेंगे, उनको करना कुछ नहीं है, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं सिर्फ बोलना है, और जिनको करना है फ्रेंड उनको सिर्फ करना है, कुछ सुनना और देखना नहीं है। तो मनोज दे कुछ ऐसा ही किए फ्रेंड, तब जाके आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जैसे कि अगर आप देखें फ्रेंड, तो इनके पास बैठने के लिए एक सीढ़ी थी जहाँ पे स्टेयर बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, उस स्टेयर पे बैठकर ये वीडियो बनाया करते थे। स्टेयर यानी कि आप देखेंगे इनका स्टेयर कैसा है, तो उस स्टेयर पे देखेंगे तो अगर बैठा जाए तो गिर भी सकते हैं, तो उस टाइप के वो मतलब अपना ट्राइपॉड वगैरह रख के वीडियो बनाया करते थे। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड ये वीडियो कैसे बनाते थे, आज मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि मनोज दे की पहली वीडियो कौन सी थी। मनोज दे चैनल का, मनोज दे के चैनल का पहली वीडियो यही है जिसको मैंने आपको दिखा दिया। मनोज दे चैनल पर आपको बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेक्निकल टिप्स ज़्यादातर मिलते हैं। मतलब खुद का रूम नहीं था जिस आदमी के पास, आज वो लाखों का घर, लाखों की गाड़ियाँ लेकर के घूम रहा है। जैसे कि फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आदमी कुछ करना चाहे, अगर उसको ठान ले तो क्या से क्या कर सकता है। तो फ्रेंड मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप
किसी भी वर्क को अगर आप करने जाते हैं किसी मोड़ पर, अगर वहाँ पे आप समझ जाते हैं कि अब इस काम को मैं नहीं कर पाऊँगा और वहाँ से आप मुड़ जाते हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है फ्रेंड। आपको कुछ उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके कुछ सक्सेस मिलेगा। जैसे इस मनोज दे को सक्सेस मिला, आज मनोज दे कहाँ से कहाँ गए, जैसे कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो 100 सब्सक्राइबर जब उनके चैनल पर हुए थे, टेक्निकल मनोज चैनल पर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और वो बोले थे कि यार मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जैसे कि इस वीडियो को आप देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ आज इतना कहने के लिए आया हूँ कि मेरे चैनल ने जो है टेक्निकल मनोज ने 100 सब्सक्राइबर को जो है क्रॉस कर लिया है, मतलब कि 100 प्लस सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो गए हैं। दोस्तों ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है। दोस्तों आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मेरे चैनल पर रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों मुझे पता नहीं था इतना जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएंगे, अभी शायद 115 मतलब कि 115 सब्सक्राइबर हो चुके। तो इसी तरह का आप लोगों से मुझे प्यार चाहिए, हो सकता है आगे जाकर मेरा 1K 10K एंड 100K भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो जाएंगे। यानी 115 सब्सक्राइबर बोल रहे हो गए हैं लगभग, और उसके बाद वो खुश हुए थे और बोल रहे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और हो सकता है कभी 100, 500, 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाए। तो आज इनको ये नहीं पता था फ्रेंड कि मेरे 22 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएंगे। हालांकि ये 5 साल बहुत वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन 5 साल में 22 लाख सब्सक्राइबर कर पाना एक ऐसे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है फ्रेंड। तो जैसे कि आप एक अंदाज़ा इस वीडियो से ज़रूर लगाए होंगे, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड मैं इस चैनल पर आपके लिए कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको कुछ डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आस्क RVS के वीडियोस लिख करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रेंड आज के लिए सिर्फ यही था, आगे और ही वीडियो हम लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।